पहुंच चुके हैं अभी सूर्या देवी मंदिर पे। हमारे साथ दीपक भाई। हेलो, क्या हाल है सर? कैसा लगा यहाँ पे पहुंच के? बहुत बढ़िया धार्मिक, मस्त। आप पहली बार आ रहे हैं, आपके साथ ट्रिप में तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई है यहाँ पे। ऑफ रोडिंग बहुत थी, लेकिन अब पहले से ज़्यादा रास्ता सही हो गया कुल मिला के। पहले जो था कि दो सवारी नहीं आ सकती थी, लेकिन अब जो है आ रही है। सो हम क्या हो गया योगेश भाई? जल्दीबाजी में यार बैटरी भूल गए हम। कौन सी? कैमरे की। अब क्या होता है, कुछ नहीं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? मज़ा आ गया कसम से। ऑफ रोडिंग टाइम बाद ऐसी ऑफ रोडिंग करी है, और मतलब मुझे तो ऐसा लगता है लेह लद्दाख में भी ऐसी ऑफ रोडिंग नहीं होगी जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में है। सामने से रिवर है और इसको क्रॉस करना है। साथ में हमारे गौरव भाई और बाइक हम लोगों ने सामने पार्क कर दी है। दीपक भाई अपनी थोड़ा सा तैयारी में और योगेश भाई भी। ऑल राइट,
योगेश भाई, यहाँ से चूल्हा शिफ्ट करके उस नदी के पार पहुँचाना पड़ेगा। हाँ, उस नदी के पार ही सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी। मुझे पन्नी अन्नी पड़ी है कोई खाली? ये है, वो कहाँ से लगाऊं? सामने तो कहीं दूर लगाओ। रामी जी, हाँ, काटने का काम करो। क्या काटूं? क्या क्या बनाना है भाई साहब? ऐसा है, ये रिकॉर्डिंग छोड़ो, अब काम पे ध्यान दो। प्याज कौन काटेगा? तेल का बोतल दो तो जरा थोड़ी सी। ये लो, पहले आलू के गुटके फ्राई। अरे वो तो दो, पनीर तो दो, ये तो रखे हैं यार नीचे, तो उठा के दो। दादी एक थाली दे दो तो मेरे को, उसमें से निकाल के। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे आलू के गुटके। थाली नहीं है इधर, प्लेट है यहाँ। तो लाओ प्लेट ही दे दो। ये तुम्हें पहले मेरे को दो यार, क्योंकि ये मेरा वाला आइटम है ना, इसके अंदर काटो 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 काटो। मैंने आलू छिल दिए। बहुत बढ़िया, चलो फिर हमारा काम यहाँ पे हो गया है। अब है गौरव भाई का काम। ये बनाओ, धुआं धुआं आ रहा होगा। चलो ठीक है, नमक चेक करो फिर। रखा है ना, मुझे नहीं पता। अरे करो टेस्ट यार, नहीं आता फास्ट, जल्दी करो नमक देखना फास्ट। अरे योगेश भाई पकड़ो तो। नमक आवाज ही आ रही कम हो गई, गरम हो गया ना। मैं भाई साहब इसे प्लेट में डाल लूं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत ना? ना हाँ, उसी में उतार लो। अरे सुनो, हेलो दीपक भाई, अब तुम गोल करोगे और मैं बेलूंगा और वहाँ जो है पूड़ी बनेगी हमारी। आटा खत्म हो चुका है और ये सामने आलू के गुटके। थोड़ा सा इसको प्लेट को ऊपर करके दिखा दो, तो ये वाली प्लेट को ये है पनीर, ये चिल्ली पनीर और थोड़ा सा आटा बच गया। और ये बन रही हमारी पूड़ी जबरदस्त वाली। मैं भी ऐसा बना लेता हूँ एक बार, खाने से पहले रखेंगे ना उसमें बना लेंगे। और ये चले हम लोग सैलेड को धोने के लिए। इसमें देखो यार मच्छियाँ भी है। योगेश भाई पानी भरते हुए हमारे पनघट पे, प्योर पानी, फुल प्योर पानी है। हमारा एक खाना वाना रेडी हो चुका है और हमारे गौरव भाई जो है खाना डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए। और खाने से पहले, सबसे पहले हम सूर्या देवी मंदिर आए हुए, तो थोड़ा सा जो प्रसाद है वो मैया के लिए। जय हो मैया। ओके सर, हमारा खाना जो है बन चुका है और हम लोग खाना खा रहे हैं। और हमारे योगेश भाई को सबसे पहले थाली दी गई है। योगेश भाई, वाई जे ब्लॉग्स, हाउ द जोस? हाय सर, कैसा हो रहा है? टेस्ट बताओ। माता का प्रसाद है,
खराब भी होता तो भी अच्छा बोलते, लेकिन ये इतना बेहतरीन बना है, इतना बेहतरीन बना है, मतलब गौरव भाई की जितनी हम तारीफ कर सकें उतना कम है। बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, हम बहुत खुश हैं कि आज गौरव भाई हमारे संग थे, कि हमें मतलब हमें लगा भी नहीं यार 15-20 मिनट में पूरा खाना बन गया, तैयार हो गया है ना, मज़ा आ गया कसम से। सैल्यूट यार, जय माता दी। और हमारे साथ हमारे अहो भाग्य जो हमारे साथ दीपक मनोला जी पधारे हल्द्वानी से, इनके चैनल का नाम है दीपक मनोला, जाके वीडियो देखिएगा। और कंटेंट इनका ऐसा होता है ना लाजवाब, बिल्कुल ज़बरदस्त वाला। मुझे एक बार अपना रिव्यू दीजिए इसका। चलो पहले पूरी खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले ये थोड़ा चिल्ली पनीर चखते हैं। चिल्ली पनीर चखो आप। पाँच मिनट भी नहीं लगेंगे इसको बनाने में। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, हाँ। ये हमारी मेहनत है, ये सब गौरव भाई ने बनाया, और सैलेड हमारे काटे YJ ब्लॉग्स हमारे योगेश भाई ने। सब गौरव भाई की कृपा है। और हमारा चूल्हा वो सामने देखो। अरे गौरव भाई तुमने कहाँ करी थी ट्रेनिंग तुमने? HM कहाँ ही क्या था? आम्रपाली इंस्टीट्यूट। पनीर निकाल लिया इनके में से। इससे पहले धामी जी देखे हमने पनीर निकाल लिया इनके में से। अरे कोई नहीं, बनाई ऐसा है यार, क्या करें। 1000 रुपए का खाना हम फोकट में खा रहे हैं। गौरव भाई की कृपा, क्रेडिट गोज टू हमारे गौरव भाई। भाई साहब खाना बहुत जबरदस्त बनाया, मजा आ गया, मजा ही आ गया भाई। गॉड यार ऊपर भी बड़ा मजा आ रहा है, ऐसी रखे रहो, बढ़िया हवा आ रही है। रिकॉर्डिंग हाँ।